6,778 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज है। ये फिगर मैंने देखा कि अखबारों में भी छप रही है, रेडियो में भी आ रही है, मीडिया में भी आ रही है और टीवी पर भी आ रही है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहेगा कि कुछ लोग उसको एक पॉलिटिकल एडवांटेज की तरफ भी देख रहे हैं कि भाई हमारे राज में या हमारे शासन में ये फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। इसमें एक थोड़ा सा पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स मतलब उल्टी चीज़ ये है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसका नज़रिया ये है कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए। उसको उन्होंने एक टर्म दिया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कैसे मतलब और लोग आएँ, कैसे और इंडस्ट्री आए, कैसे और थर्मल पावर प्लांट लगें, कैसे स्टील प्लांट लगें, कैसे सीमेंट प्लांट लगें, ये सब उनको एनकरेज कर रहे हैं। तो कोई भी छोटी सी भी समझ रखने वाला आदमी ये देख सकता है कि जब ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती हैं तो उसका जंगलों पर और पर्यावरण पर पूरा प्रभाव पड़ता है। तो उस स्थिति में ये कहना कि भाई ये फॉरेस्ट हमारी वजह से इंक्रीज हुआ है या ये फिगर जो है वो बिल्कुल टोटल फॉरेस्ट इंक्रीज की है, तो वो कुछ गलत लगता है। मेरा कहना ये भी है इसमें जो हम लोगों ने देखा इसको रिपोर्ट को, तो इसमें जो रिपोर्ट बनाने वाली एजेंसी है उसकी बड़ी कम गलती है। उन्होंने हर जगह ये बताया है कि ये फिगर जो आई है उसमें लिमिटेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉरेस्ट कवर की काउंटिंग है उसमें अगर कोई क्षेत्र जहाँ पर बैम्बू लगा है या कोकोनट लगा है या रबड़ लगा है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्री प्लांटेशन की है या एग्रोफॉरेस्ट्री का जो एरिया है, अगर उसका कनोपी 10% से ज़्यादा है, कनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है और उसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो वो फॉरेस्ट एरिया में काउंट हो रहा है। तो एक तो ये लिमिटेशन उन्होंने खुद ही बताई है, तो इसलिए हमें जो फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, इंक्रीज की बात करते हैं, तो उसके साथ हमें ये ज़रूर बताना चाहिए कि ये इसकी लिमिटेशन भी है। तो ये मेरा सुझाव है कि उसको लिमिटेशन को ही मद्देनज़र रखें। ये अच्छी बात है कि भाई फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ की बात हो रही है और इंक्रीज़ होता है तो अच्छी बात है। एक बात जो रिपोर्ट में डिस्कस की गई है, चर्चा की गई है, वो है वनों में आग लगने की। वनों में आग लगने के कई कारण उन्होंने अपने आप खुद ही बताए हैं कि भाई लोग अपने व्यवसाय के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए या अपने मवेशियों को चराने के लिए या कुछ लोग जानबूझ के भी मतलब मिसचीफ में ये आग लगाते हैं। और आग लगाने से फॉरेस्ट का जो डैमेज होता हैगा वो एक बड़ा ही गंभीर होता हैगा, क्योंकि जो माइक्रोफोना है या माइक्रोफ्लोरा है वो सब जल जाता है। उसके अलावा अगर आग गंभीर हो तो ट्रीज़ भी जल जाते हैं, तो इनविजिबली उसका बहुत लॉस होता है। अब उसमें जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बात कही कि उन्होंने जो फॉरेस्ट फायर का रिपोर्टिंग होता है उसमें कुछ गलती भी हो सकती है। गलतियों में उन्होंने खुद बताया कि अगर किसी खेत में आग लगी है तो वो उनके रिकॉर्ड में आ जाता हैगा, अब वो उसको फॉरेस्ट फायर में काउंट कर लेते हैं। तो कुल मिला के मैंने देखा कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये अपना रिपोर्ट निकाला हैगा, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको पूरा बैलेंस करके बताया है कि भाई इसमें क्या क्या कमी हो सकती है। तो मेरा सुझाव यही होगा कि जो भी इस रिपोर्ट के संबंधी देखता है तो उसको गंभीरता से देखना चाहिए कि इसमें लिमिटेशन क्या है। तो ये चीज़ मेनली है, उसको देखना ज़रूरी है।